हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम आप लोगों का आज की नई वीडियो में। मैं हूँ शाहजेब और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की नई वीडियो का। आज की जो टॉपिक है वो विलेज के जो लोग हैं उनके हवाले से, मतलब ये जो कैमल हमारे पास होता है इनसे क्या क्या काम ले जाते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी ये तुरी का जो, जिसको हम मुसल टाइप कहते हैं, जब गंदुम हमारी निकलती है वैसे, जब उसके बाद गंदुम के बाद उसके मुसल बनाए जाते हैं, तो उसके बाद ये जो मूसल हम इसको कहते हैं, इसमें इसकी तुरी स्टोर जब की जाती है, तो उसके बाद जब घर में, मतलब जब जैसे गंदुम निकली, कुछ जितनी तुरी हमें चाहिए थी तो उतनी हमने ले ली, लेकिन जब हमें और चाहिए होती है, मतलब जब हमने स्टोर की होती है अपनी फील्ड्स के ऊपर, अपनी बनियों के ऊपर, तो उससे हमें और चाहिए होती है, तो ऊंट गाड़ों का इस्तेमाल करते हैं गांव के लोग। ये जो ऊंट गाड़े होते हैं इनसे तुरी उठाई जाती है। कैमल की जो सवारी है इनसे बहुत फ़ायदा लिया जाता है। तो ये थर के, मतलब थर का जो इलाका है उधर भी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो थर का बादशाह है ना, रेगिस्तान में चलने का। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी ये जो तुरी है अभी ये है भी, अभी घर लेके जाएंगे और अभी ये इन्होंने इधर स्टोर की हुई है, क्योंकि अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो बारिशों की वजह से तुरी ख़राब होने का खतरा है। इधर तो ख़राब होने का खतरा नहीं है, लेकिन घर पे जब चाहिए होती है तो उधर मतलब ख़राब ना हो जाए। दोस्तों ये आप मूसल भी देख सकते हैं जिससे तुरी स्टोर करते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टोर की हुई है, इसमें पानी भी नहीं जाता। ये कैमल है जिसके ज़रिए से वो गाड़ी ले गए, सवारी इनकी जो है वो जाएगी। ये भी दोस्तों मजदूरियों पे काम कर रहे हैं गांव के जो लोग हैं, ये भी किसी की तुरी उठा रहे हैं जो कैमल वाले हैं। ये जो तुरी अभी बढ़ रहे हैं ये इधर से बढ़ के लेके जाएंगे कैमल के साथ, घर पे जाके उतारेंगे तुरी को, फिर इनको मतलब इनका हमें वो मिलेगा। वो ऊँट जा रहा है अभी, उसको 200 पकड़ने जाएगा। और दोस्तों गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जफ़ाकशी बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि मतलब इतनी जफ़ाकशी करने के बावजूद भी उनको जो फसल का जो रेट है वो अच्छा नहीं मिलता, फिर दोस्तों गांव वालों को दुख होता है। जैसा कि पिछले साल टमाटर इतने अच्छे हुए थे लेकिन उनको रेट नहीं मिला, गंदुम इतनी अच्छी हुई थी लेकिन रेट नहीं मिला, क्योंकि फिर दोस्तों फिर वो लगाना ही छोड़ देते हैं गंदुम जैसे, तो सो फिर वो लगाने ही छोड़ेंगे, क्योंकि जब उन्होंने 2 साल लगाया उनको रेट नहीं मिला तो उनके पास पैसे ही नहीं बचे। फिर वो दोस्तों अभी इधर से ये भी तुरी जो उधर से बढ़ के लाए हैं वो इधर आके मतलब खाली की जा रही है, मतलब घर के अंदर स्टोर की जा रही है, कि मतलब जो जानवर रखे हैं उनके लिए। और दोस्तों ये जो अभी काम कर रहे हैं ये भी सब मजदूर लगे हुए हैं, दिहाड़ियों पे काम कर रहे हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ये लोग भी क्या करें। और दोस्तों अभी इन्होंने पूरी तुरी की जो गाड़ी, जो कैमल की जो गाड़ी थी वो भर के लाए हैं, तो अभी इन्होंने अभी ये मतलब वो जो गाड़ी उधर से बनी से भर के लाए हैं वो इधर आके खाली कर रहे हैं, कि खाली कर रहे हैं। दोस्तों अभी भी इनको 3 चक्कर लग जाएंगे जाते आते, और अभी क्योंकि 1 चक्कर में तो नहीं आता ना, 3-4 चक्कर तो लग जाएंगे इनको, 1 चक्कर बढ़ने में 4 घंटे लगते हैं, और ये 400 रुपये मन लेते हैं तुरी जो होती है। और दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आगे वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में मुझे अभी इजाज़त दें, आप लोग शुक्रिया, थैंक यू।